आजकल आम का आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, तो फिर भला मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो आज हमने बनाया है मैंगो आइसक्रीम। इसे बनाना तो आसान है ही और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अगर आपके बच्चे जिद करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो एक बार ये आइसक्रीम आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक बड़े साइज़ का पका हुआ आम। अब इस तरीके से हमें एक छिलनी ले लेनी है और आम के छिलके को हमें छील लेना है कुछ इस तरीके से। हमें पके आम का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे कट कर लेना है, छोटे छोटे पार्ट में इसे हमें कट कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा रहे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करनी है। कट करने के बाद इसे हमने पीस लिया है, देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। तो गैस पे हमने एक पेन रखा है, अब इसमें हम डालेंगे एक गिलास भर करके दूध। यहाँ मैं गाय का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गाय का दूध या पैकेट वाला कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हमें 5 मिनट तक पका लेनी है। तो दूध देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है, इसमें मलाई जम चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर और साथ ही में 4 चम्मच के करीब डालेंगे चीनी, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और आम का जो हमने इस्तेमाल किया है वो भी थोड़ा मीठा है, तो उसी के हिसाब से हमने 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब मिल्क पाउडर, चीनी और सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा, जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। तो टोटल हमने 3 से 4 मिनट कंटिन्यू मिक्स किया है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज में रख करके दूध को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आम जिसे हमने पीस करके रखा था। अब आम को हमें अच्छी तरीके से दूध में मिला लेनी है। हल्के हल्के हाथों से दूध में हम आम वाला पेस्ट मिलाते जाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ आम। थोड़ा सा आम को हमने कट करके रखा हुआ था। इस तरीके से कटे हुए आम डालकर आइसक्रीम बनाने से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो सारे आम को हमने मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है आइसक्रीम जमाने वाला मोल्ड। अब हमें क्या करना है, 1 बड़े चम्मच की सहायता से इस पेस्ट को इस मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाना है। तो सारे मोल्ड में हमने आइसक्रीम वाले पेस्ट को डाल दिया है। अब इस तरीके से हम एक एक करते हुए ढक्कन को लगाते जाएंगे। और ये पेस्ट अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, तो उसे मैंने इस्तेमाल कैसे किया है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये टोटल 6 आइसक्रीम बन के रेडी होगा। अब इस तरीके से मार्केट में जो आइसक्रीम मिलते हैं उसका हमने ये डब्बा ले लिया है। अब जो बचे हुए पेस्ट थे इसमें हमने डाल दिए हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाला है हमने कटा हुआ आम। अब सारे आइसक्रीम को हमें फ्रीज़र में डालनी है। तो देख सकते हैं सारे आइसक्रीम को हमने फ्रीज़र में डाल दिया है। अब ये अगला दिन सुबह मैं चेक कर रही हूँ, तो ये आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से जम चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो सारे आइसक्रीम को हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इसे आपको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। ये कप वाले आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से जम चुके हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब इसी तरीके से दूसरा आइसक्रीम मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे मैं पिघलने देती हूँ। पहले इसे मैं ऐसे ही निकालने का कोशिश करती हूँ। तो ये लग रहे हैं काफ़ी अच्छे से जम चुके हैं, निकल नहीं रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में एक गिलास में पानी रखेंगे और पानी में इसे हम 4 से 5 सेकंड के लिए भिगो देंगे, यानी कि डुबा कर रखेंगे। उसके बाद हम आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे। तो उसी तरीके से हमने किया है, आप देख सकते हैं कितना आसानी से आइसक्रीम जो है निकल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे से जम चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सस्ते में आप घर पे आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू फ्लेवर है, मैंगो आइसक्रीम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप इसे पके हुए आम से आइसक्रीम बना के घर में तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया है। अगर आपके घर में बच्चों लोग को सभी को आइसक्रीम पसंद है, तो एक बार ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का रेसिपी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले नए